नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार चतुर्थी तिथि दिन में 11 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनी, ऐश्वर्य और वाहन से युक्त, स्थिर चित्त वाले और स्थिर कार्य करने वाले होते हैं। ये ईमानदार, मिलनसार, क्षमावान और सलाहकार होते हैं। धार्मिक कामों में खर्च करने वाले, सामाजिक कामों में रुचि रखने वाले, दृढ़ निश्चय और विश्वास पात्र भी होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की अभूतपूर्व क्षमता और यात्रा प्रिय मानसिकता बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, केतु और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ने लगेगी, कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है। उत्थान का समय हो चुका है और उससे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में भी लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी, मगर मधुर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शनि चंद्रमा आठवें घर में और मंगल केतु भाग्य भाव में चल रहे हैं। धैर्य और संयम बनाकर रखें, दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाही यात्रा का योग बनता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर आप अपने बुद्धि कौशल और शुभ चिंतकों की सहायता से संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों को आसान और सुलभ करने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी, मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर उत्साह प्रभावित रहेगा। साझेदारी के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे, मगर कुछ काम संपन्न होने में देरी हो सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और मन मुताबिक काम होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी, उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पाचन तंत्र और पेट से के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित हैं। ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक परेशानी का अंदाजा देर से लगता है। साझेदारी के कामों से लाभ होगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचारधारा और विषाद की स्थिति संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी और निरंतरता बनाए रखने में सकारात्मक प्रेरणा जारी है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास मन मुताबिक बना रहेगा, मगर शनि चंद्रमा की युति पहल करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग मिलता रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में सहयोग जारी रहेगा। कन्या राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा।
निजी संबंधों में तनाव व असंतुष्टि का संकेत मिलता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्ययोजना और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रयासों का दौर जारी रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेरणा से लाभ संभव है। नई कार्ययोजनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे, मगर कुछ कामों में संघर्ष की स्थिति संभावित है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। पिता के स्वास्थ्य की चिंता और पुराने मित्रों से भेंट संभव है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। आँखों की एलर्जी व कान से संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र से संबंधित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता संभावित है। वाणी की मृदुलता के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। नवीन कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और मन मुताबिक काम होने की संभावना बनी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य संबंधी भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्च से संबंधित मामले संभावित हैं। केतु की युति और उच्च के मंगल से कार्य क्षेत्र में सक्रियता उत्साह में वृद्धि होगी। नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। विभागीय कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करते रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमि, वाहन और मकान इत्यादि का योग चल रहा है, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है। हालांकि आपके प्रयास करने की क्षमता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव के लिए सहयोग मिलता रहेगा। अनावश्यक विवाद संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का उच्च राशि में होना, आय संबंधी मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूती और रुके हुए काम के संपन्न कराने का संकेत देता है। कामों के अवरोध में कमी आएगी और उत्साहहीनता की स्थिति में सुधार होगा। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं और उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ॐ नमः शिवाय।